उसे इस रंग बिरंगी दुनिया में लाए तो जरूर, लेकिन उसकी आंखों को वो रोशनी देना भूल गए जिनसे वो इस रंग बिरंगी दुनिया को देख पाता। उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही, जन्म से ही निराशा के काले बादल उनके जीवन में छाए रहे। दृष्टिहीनता के कारण बचपन से ही उसे समाज में भेदभाव का शिकार होना पड़ा। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में जन्मे श्रीकांत बोला की, जिन्होंने दृष्टिहीन होने के बावजूद हैदराबाद में बोलेंट इंडस्ट्रीज के नाम से एक मशहूर कंपनी खड़ी की। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य अशिक्षित और अपंग लोगों को रोजगार देना है और उपभोक्ताओं को पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रदान करना है। श्रीकांत बोला का जन्म आंध्र प्रदेश के ऐसे निर्धन किसान परिवार में हुआ जो सालाना 20,000 रुपए से भी कम कमाते थे। श्रीकांत के जन्म लेते ही लोगों ने उनके माता पिता को सलाह दी थी कि ये बिना आंखों का एक बेकार बच्चा है जो आगे चलकर बुढ़ापे में उल्टा आप पर ही बोझ बन जाएगा। परिवार की स्थिति इतनी गरीब थी कि ये तक नहीं मालूम था शाम का खाना भी नसीब होगा या नहीं। जब श्रीकांत बड़े होने लगे तो उनके किसान पिता उनको अपने खेत में हाथ बटाने के लिए ले जाने लगे, लेकिन दृष्टिहीनता के कारण वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते थे। कुछ दिनों बाद उनके पिता ने सोचा कि शायद श्रीकांत पढ़ाई में अच्छा करेगा, इसलिए उन्होंने श्रीकांत का एडमिशन गांव के स्कूल में करा दिया जो उनके घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। अब श्रीकांत रोज स्कूल जाने लगे। उन्होंने स्कूल का सफर लकड़ी और दूसरे बच्चों के सहारे पैदल ही करना पड़ता था। श्रीकांत ने बताया कि स्कूल में कोई भी मेरी मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता था, मुझे हमेशा क्लास के लास्ट बेंच पर बिठाया जाता था, मुझे पीटी क्लासेस में शामिल होने की मनाही थी। मेरे जीवन में यह एक ऐसा पल था जब मैं यह सोचता रहता था कि दुनिया का सबसे लाचार और गरीब बच्चा मैं ही हूँ जो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि मैं पैसों से गरीब था, बल्कि इसीलिए कि मैं बहुत अकेला था और कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। कुछ दिन बाद उनके पिता को लगने लगा उनका बच्चा इस स्कूल में कुछ नहीं सीख पा रहा है, तो उन्होंने श्रीकांत का एडमिशन हैदराबाद के एक दिव्यांग स्कूल में करा दिया। श्रीकांत बोला इस स्पेशल स्कूल में कुछ ही महीनों के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस देने लगे। यहाँ रहते हुए उन्होंने चेस और क्रिकेट खेलना शुरू किया, यही नहीं क्रिकेट में वो नेशनल क्रिकेट तक भी खेले। स्कूल में वो क्लासेस में फर्स्ट प्लेस पर आने लगे। उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ लीड इंडिया प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद 11वीं क्लास में उन्हें साइंस सब्जेक्ट लेने नहीं दिया गया। श्रीकांत ने 10वीं क्लास की परीक्षा आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड से 90% अंकों के साथ पास की थी, लेकिन फिर भी बोर्ड का कहना था कि 11वीं में दृष्टिहीन बच्चे साइंस सब्जेक्ट नहीं चुन सकते हैं। तब श्रीकांत ने मन ही मन सोचा, क्या ये सिर्फ इसलिए है कि मैं जन्म से अंधा हूँ? नहीं, मुझे लोगों के देखने के नजरिए ने दृष्टिहीन बनाया है। बोर्ड के द्वारा साइंस सब्जेक्ट को चुनने की स्वीकृति नहीं दिए जाने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने पूरे 6 महीने तक इसके लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अकेले ही इसके खिलाफ लड़ते रहे। अंत में सरकार ने निर्देश जारी करके उन्हें 11वीं कक्षा में साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। इसके बाद क्या था, श्रीकांत ने दिन रात एक कर अपने कठिन परिश्रम के बल पर 12वीं क्लास में 98% अंकों के साथ परीक्षा पास करके पूरे भारत को आश्चर्यचकित कर दिया। ये मशहूर मुहावरा इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त,
हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी भी कभी कभी मजाकिया ढंग से रुकावटों की नकल उतारने लगती है, खासकर उन लोगों के साथ जिनका एक बड़ा उद्देश्य होता है। श्रीकांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 12वीं कक्षा के बाद उन्होंने देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित IIT इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन दृष्टिहीनता के कारण सभी ने उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद श्रीकांत ने ध्यानपूर्वक इंटरनेट के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या उनके जैसे लड़कों के लिए कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम उपलब्ध है या नहीं। उन्होंने अमेरिका के कुछ कॉलेजेस का पता चला जहां उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 4 अमेरिकन कॉलेजेस स्टैनफोर्ड, बर्केली, कार्नेजी मेलन और MIT ने उनके आवेदन स्वीकार कर लिए। उन्होंने MIT कॉलेज को चुना और उस कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ने वाले पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बन गए। शुरू में उन्हें वहाँ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रदर्शन में सुधार होने लगा। जब उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो अमेरिका में अपने सुनहरे भविष्य को छोड़ भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक सेवा शुरू की जिससे उनको प्रोत्साहन और मदद दी जा सके, और सबसे बड़ी बात, समाज में ऐसे लोगों को सम्मानजनक स्थान दिलाया जा सके। श्रीकांत ने लगभग 3000 लोगों की मदद की, लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि ये लोग अपनी सामान्य जिंदगी तो जीने लगे हैं, लेकिन ये अपनी रोजाना की जरूरतों के लिए किस पर आश्रित रहेंगे और इनके रोजगार का क्या होगा। इसके लिए उन्होंने बोलेंट इंडस्ट्री की स्थापना की, जो लगभग 200 से ज़्यादा दिव्यांगों को रोजगार प्रदान कर उन्हें भी सम्मान से अपने जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। श्रीकांत ने ये कार्य करके उन सभी बातों को झुठला दिया जिसको समाज एक दृष्टिहीन व्यक्ति द्वारा किए जाने को महज कल्पना मानता है। श्रीकांत की बोलेंट इंडस्ट्री में सभी कर्मचारी ब्लाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिव्यांगों को रोजगार मिल जाता है। उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने रतन टाटा जी पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रतन टाटा अपने रेवेन्यू का मोर देन 66% डोनेशन दे देते हैं। श्रीकांत की पढ़ाई और बोलेंट इंडस्ट्री को भी रतन टाटा जी ही डोनेशन देते हैं। आज बोलेंट इंडस्ट्री की 4 यूनिट्स हैं, हुबली कर्नाटक, निजामाबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना, और चौथी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर स्थित है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलती है। हर इंसान को जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्रीकांत जैसे काबिल व्यक्ति को समाज से जो तिरस्कार मिला उससे वो टूटे नहीं, बल्कि अपने जैसे लोगों के लिए समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का रास्ता बना दिया। ये थी एक सच्चे काबिल भारतीय की कहानी, जिसे LTE मोटिवेशन की पूरी टीम नतमस्तक होकर सैल्यूट करती है, और साथ ही रतन टाटा जी को भारत रत्न देने की अपील करती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।